नमस्कार दोस्तों, HHS हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल यादव आज जुड़ा हूँ फरुखनगर शहर से वार्ड नंबर 7 के पार्षद रहे डॉक्टर अशोक कोहली जी से, जो कि फरुखनगर इलेक्शन की तैयारी पर हैं चेयरमैनी पद के लिए। तो आज इनसे बातचीत करेंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे डॉक्टर साहब को, अशोक कोहली जी को, कि भाई फरुखनगर में ऐसा ही क्या करना चाहेंगे कि जिससे फरुखनगर का विकास हो और फरुखनगर किसी भी तरह से किसी भी वर्ग में पीछे ना रहे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक गरीब की कुटिया पे आए और मैं तो एक ये मान लो कि बहुत ज़्यादा गरीब पार्षद रहा हूँ और गरीब चेयरमैन नहीं उठ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा गरीब तो मैं ही हूँ ये मान लो। बाकी आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे घर पर आप लोग आए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पता करना चाहेंगे आपसे कि आपने जो पार्षदी का कार्यकाल अपना 5 साल का पूर्ण किया, उसमें जनता का आपको काफ़ी सहयोग मिला जी। तो अभी आप चेयरमैनी पद के लिए उम्मीदवार हैं फरुखनगर से, चाहे जर्नल आए या SC है जो भी जी। तो फरुखनगर शहर के लिए ऐसा क्या करना चाहेंगे कि फरुखनगर की जनता को सुकून मिले जी? देखो अनिल जी, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं MLA MP की लड़ाई तो लड़ रही रहा हूँ जी, मैं मात्र फरुखनगर की नगर पालिका के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा हूँ जी। और युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी आशीर्वाद दे रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं अच्छा समर्थन मिल रहा है जी। रही काम करने की, देखो जो नगर पालिका के दायरे में और एक चेयरमैन के उसमें कलम की ताकत में जो होगा जी, वो फरुखनगर के विकास के लिए हम दिन रात एक कर देंगे और जान लगा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज फरुखनगर की जनता काफ़ी लंबे अरसे से ना जाम मुक्त फरुखनगर चाहती है जी। तो मैं देख रहा हूँ, मैं पार्षद रहा तब भी हमने काफ़ी एफर्ट किया, लेकिन हम उस पावर में नहीं जा पाए कि भाई हम उसमें करें, लेकिन हमने काफ़ी हद तक फरुखनगर का जो रिंग रोड है उसको हमने तकरीबन 80% तक हम उसको क्लियर कर चुके हैं जी। यदि फरुखनगर की जनता हमें उस कुर्सी तक पहुँचाती है तो सबसे पहले हम फरुखनगर को जाम मुक्त करेंगे। दूसरा जी, जो अपना एक और ध्येय है, दूसरा ध्येय है कि आज ना छोटे छोटे कस्बों में भी बस स्टैंड हो गया, छोटी छोटी जगह पे बस स्टैंड है जी। लेकिन फरुखनगर एक ऐतिहासिक बाजार है, हम छोटे से थे, हमारे बाप ने भी देखा, दादा ने भी फरुखनगर को देखा बनते हुए, लेकिन बस स्टैंड को बनते हुए नहीं देखा जी। आप ये देखिए, जब हम चेयरमैन बनेंगे तो चाहे हमें किसी भी मंत्री साहब के पैर पकड़ने पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, रिक्वेस्ट करनी पड़े, या लीगली कोई करना काम करना पड़े, चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े जी सर, और ये मैं वादा करता हूँ कि जब मैं अपना कार्यकाल पूरा करूँगा तो उससे पहले फरुखनगर की जनता को आपका रिंग रोड और बस स्टैंड जी, ये दोनों 100% जी, इस पर कोई मतलब 1% भी दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर सर बातचीत करें कि शिक्षा, शिक्षा और लड़कियों के विषय की खासकर बात, देखने में ये चीज़ मतलब एक आम चीज़ हो चुकी है कि जब भी राजनीतिक दल चुनाव का माहौल जब बनता है या राजनीतिक पार्टियाँ उसमें इन्वॉल्व या कोई राजनीतिक पर्सनल व्यक्ति हो जी जी, तो मुद्दे ऐसे ही उठाता है कि भाई हम समाज की सेवा करेंगे, लेकिन लड़कियों के विषय में शायद फरुखनगर के जितने भी ये दिग्गज नेता हैं या आप लोग हैं, कोई शायद मेरे हिसाब से सोच नहीं रहा है कि जो बिल्डिंग है उसमें 1100 लड़कियां कन्या विद्यालय में पढ़ती है, लेकिन वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जबकि उसके मामले में विधायक राकेश जी ने भी बोला था कि भाई चंडीगढ़ फाइल पड़ी है और उस मामले को 6 महीने हो चुके, वहाँ से फाइल तक नहीं निकला सके, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? देखो अनिल जी, मैं और मेरी टीम और डॉक्टर पंकज जी हम जी इस विषय में स्कूल में गए थे जी, तो स्कूल में गए तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल था, एक तो उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, सही बात तो ये रही जी। दूसरी बात ये रही कि हमने कहा जी आप हमें कम से कम स्टेटस तो बताएं जी कि क्या स्टेटस है, तो जो प्रिंसिपल साहिबा थी या फरुखनगर का जो स्टाफ रहा उन्होंने कोऑपरेट ना करके ये कहा जी हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा जी, आप टेंशन ना लें जी। आपके कहने पर यदि आपको लगता है कि वो फाइलें कहीं अटकी हुई है तो मैं अपने भाई को अपने साथ लेके चले करूँगा, और फरुखनगर की जहाँ पे भी मैं एक वादा करता हूँ, देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस बात को फरुखनगर की जनता भी जानती है, हर कोई पढ़े लिखे के नाते मैं कोई भी फाइल को कहीं पे अटकने नहीं दूंगा, चाहे वो राजनीतिक मामला उससे अटक रही हो चाहे कैसे भी, मैं किसी भी तरीके से फाइलों को निकलवा के लाने की एक अपनी क्षमता भी रखता हूँ और मैं लेके भी आऊँगा। रही दूसरी बात कि जो आपने कहा कि स्कूलों का, ये तो होगा ही होगा, लड़कियों का ना एक और वो है कि जब स्कूल की छुट्टियां होती है तो कुछ बाहर के भारी तत्व, शरारती तत्व का हो या कुछ भी, वो हमारी जो बिटिया पढ़ती है जी, तो उनको कुछ शरारती तत्व परेशान करते हैं। मैं कहता हूँ कि
यदि जनता हमें मौका देती है तो हम स्पेशल ना कानून व्यवस्था पर ध्यान देंगे, उनको बिल्कुल ऐसा सेट कर देंगे कि वो हमारी बहन बेटियों को ना तो छेड़ेंगे ना तंग करेंगे, बिल्कुल कानून लॉ एंड ऑर्डर आपको लगा हुआ दिखाई देगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर की जो आप बात कर रहे हैं तो फरुख नगर शहर के अंदर ये प्रेजेंट में आपको दिखाया जा सकता है, और आपने देखा भी होगा कि आधे शहर के अंदर लाइटें जलती हैं और आधे के अंदर नहीं जलती। क्या वहाँ पर कोई राजनीतिक विषय या किस प्रकार का ये भेदभाव है कि आधे शहर के अंदर लाइट जले और आधे के अंदर ऑफ रहे? क्या नगर पालिका अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाती है? तो उनमें कौन व्यक्ति ऐसे जो इन्वॉल्व रहेंगे, या आप उस पद पर पहुंचते हैं तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे? सर देखो अनिल जी, मैं एक चीज़ और बोलूँगा आपको और फरुख नगर की जनता को भी कह रहा हूँ, मैंने अपने वार्ड में बिल्कुल एक समान काम किया जी, और 66 साल पुराने अटके हुए काम करके लेकर आया मैं, जो मतलब चांदनगर ढाणी में वार्ड में अटके हुए थे रस्ते में बनवा दिए, सारे काम करा। जो नगर पालिका की जो लाइट की व्यवस्था है, उस लाइट की व्यवस्था में कहीं ना कहीं राजनीतिक दाव पे चलते रहते हैं, कोई किसी वार्ड का पार्षद, कोई वार्ड के प्रतिद्वंदी होते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ होता है, और उस राजनीति की भेंट हमारी नगर पालिका का कुछ स्टाफ वो चढ़ जाता है। लेकिन मैं यदि उस कुर्सी पर बैठता हूँ ना, तो मैं पूरी जनता को एक बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे कि फरुख नगर का कोई भी स्टाफ जो है ना राजनीति के भेंट नहीं चढ़ने दूंगा, और ना किसी वार्ड की लाइट खराब रहेगी और ना ये गंदगी का ढेर देखने दूंगा। नीट एंड क्लीन फरुख नगर, जो मेरे एक माइंड में ब्लू प्रिंट है, फरुख नगर एक लगना चाहिए जैसा ऐतिहासिक शहर है, तो ऐतिहासिक शहर हम बना के दिखाएंगे सर बार बार, और नीट एंड क्लीन। सर बार बार ऐतिहासिक शहर बोला जा रहा है फरुख नगर जी, लेकिन अगर बातचीत करें कल्चर के मामले में तो इतना पुराना कल्चर यहाँ का होने के बावजूद भी फरुख नगर के जितने भी रक्षक कहूँगा राजनीतिक व्यक्तियों को या भक्षक कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक फरुख नगर जो बस स्टैंड, जो नॉर्मल बस स्टैंड है, वो नाम का तो है ही नहीं क्योंकि बस स्टैंड की जगह दूसरी है, लेकिन जहाँ पे अभी लड़कियाँ कॉलेज के लिए सुबह या ड्यूटी के लिए जो भी व्यक्ति जा रहे हैं, वहाँ एक टॉयलेट तक नगर पालिका या कोई मंत्री या कोई चेयरमैन मुहैया नहीं करा पाया, तो उस विषय में सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहेंगे कि भाई वो सुविधा तो मिले कि आम जनता, कोई बुजुर्ग भी है अगर उसको टॉयलेट आ जाए तो वो कहाँ जाए? सर अनिल जी, एक चीज़ है, देखो हमने अपनी नगर पालिका की मीटिंग में सभी पार्षदों ने एक बहुमत से इसको पास किया हुआ है जी, पहली बात। मैं एक पार्षद ही रहा हूँ, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं एक मांग उठा सकता था और हमने मांग उठाई और उसको सदन में पास करा दिया, बाकी जिम्मेदारी आती थी जो हमारे सीनियर थे, चाहे वो सेक्रेटरी साहब हो, चाहे भाई हमारे जो चेयरमैन महोदय रहे या हमारे विधायक साहब रहे, कोई भी जो भी रहे। इसी लाइन में मैंने देखा कि कुछ टाइम पहले कुछ हमारे दिग्गज नेता ने फोटो भी अखबारों में डाल लेते कि ये 2 महीने में टॉयलेट बन जाएगा, 4 महीने में बन जाएगा। मैं कहता हूँ कि मैंने जितने काम कराए ना, मैंने कहीं पे ना अपने नाम का पत्थर लगवाया ना कुछ और जी। लेकिन यहाँ पे जगह सर्च करके लीगली तरीके से एक अच्छा सुलभ शौचालय बनाने का मेरा बिल्कुल माइंड में एक ब्लू प्रिंट के तहत है तो है, क्योंकि मैं जब उस मार्केट में जाता हूँ तो मेरे सभी यार दोस्तों की मार्केट है, और वो बताते हैं डॉक्टर साहब जी यदि आप बनते हो तो यहाँ पे ये सुलभ शौचालय होना चाहिए जी। और बिल्कुल अनिल जी, मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि देखो पहली बात, मैं पढ़े लिखे आप पत्रकार, और जब हम पढ़े लिखे पत्रकार साथ हो जाएंगे तो हमारे काम को रोकेगा कौन? हम सदन में भी इस बात को जो पार्षद नियुक्त होकर आएंगे उनसे भी बात करेंगे, और जितना स्टाफ होगा उनसे भी, विधायक साहब के भी, जहाँ चलना होगा चलेंगे, इस काम को भी सिरे चढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूँ महीने में चढ़ा देंगे, 2 महीने में जी। देखो लीगली काम होने में हो सकता है 6 महीना लग जाए, लेकिन हम उस काम को जल्दी करेंगे, फिर बनने के तुरंत बाद हम इस पर कार्रवाई बैठा देंगे, मीटिंग पास करके, मीटिंग में क्लियर करके जो हमने पास किया ना एजेंडे, हम उसी को निकाल लेंगे, उसी पर काम शुरू कर देंगे। और बताइए दोस्तों, अभी बातचीत कर रहे थे हम डॉक्टर अशोक कोहली जी, जो पार्षद वार्ड नंबर 7 फरुख नगर से रहे और अभी चेयरमैनी की तैयारी फरुख नगर से कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि नेट एंड क्लीन, बिल्कुल फरुख नगर को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और हर प्रकार की सुविधा फरुख नगर ऐतिहासिक शहर फरुख नगर को दी जाएगी। कहाँ तक ये बातें सच निकलेंगी, कहाँ तक इनका समाधान होगा, ये बातचीत अभी डिपेंड करती है जनता पे, आप लोगों पे, अनिल जी, कि कहाँ तक कहाँ तक आप लोग किसको अपना नेता चुनते हैं और कौन इस फरुख नगर के चेयरमैन पद का उम्मीदवार रहेगा, उम्मीदवार तो ये हैं ही, कौन इस पद के ऊपर बैठ के आप लोगों की सेवा करेगा,
तो अगले वीडियो में भी हम आपसे बातचीत करवाएंगे ऐसे ही एक और राजनीतिक व्यक्ति की जो चेयरमैन पद के दावेदार होंगे और क्या क्या वो फॉर्मूला के लिए करना चाहेंगे। अब जनता के ऊपर है कि भाई वो किसको चुने, पैसा चुनना है, शिक्षा चुननी है, समाज चुनना है, जाति चुननी है, वो आम जनता डिपेंड है अपने ऊपर, सेल्फ है वो, तो कि वोट किसको देना है किसको नहीं देना है वो आप लोगों का मत है। लेकिन फर्रुखनगर को कौन क्लीन करेगा इसका फैसला जल्दी होगा। जय हिंद, जय भारत।